बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हसन हुसैन ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज है जुमे का दिन, तो आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। हसन साहब चले गए हैं स्कूल, हसन के बाबा जानी भी जाने लगे हैं कॉलेज में, तो ये रहे हसन के बाबा जानी। ये करने लगे हैं नाश्ता, और मैंने नाश्ते में बनाया है बटर वाले पराठे। हसन के पापा कह रहे थे मैंने चाय साथ खाना है पराठा। और ये रही मेरी काली तोरियाँ, ये मैंने कल बनाई थी, साथ में मैंने बनाई है नमकीन लस्सी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उनके बाबा जानी गए हैं ऊपर, तो हसन साहब भी उन्हें आवाज़ें दे रहे अपने पापा जानी को। वो पापा की आवाज आ रही ऊपर से, तो ये अपने आज हसन के हुसैन के मामू जानी आ रहे हैं हमारा बड़ा यूपीएस बनाकर। वो कह रहे थे आप ही ये 1000 वाट का है, इससे भी अच्छा बनाकर लाता हूँ। फिर मैं बनाऊंगी उनके लिए आज बिरयानी, स्पेशल बिरयानी। चूँकि आज जुमे का दिन है, तो जुमे वाले दिन मेरा शौक है कि मेरे घर में बिरयानी बने। मैं निकाल रही हूँ बटर, दही जमाई हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना रही हूँ इधर मक्खन, मैं घर में ही बनाती हूँ। दूध उबाइल करके मैंने जाग लगा दिया था, दही बन गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बना रही हूँ मक्खन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बटर रेडी हो गया है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हसन साहब स्कूल से पढ़कर आ गए हैं, तो हसन साहब आया था फ्राइडे 10:30 बजे ही छुट्टी हो गई। तो हसन ने अब क्या नाश्ता करना है मुझे बताए मेरा बेटा। मेरे पापा को दही नान चने नान। हसन कह रहा है मेरे पापा को फोन करके कहे कि मेरे लिए नान चने दही लेके आए। नान चने खाने हैं, घर में पराठा बना दो। घर में नहीं कह रहा खाना जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई आपस में खेल रहे हैं। हसन स्कूल से है तो इस टाइम अपने भाई से खेलते हैं। भाई साहब सोकर छोटे वाले उठ गए हैं, हुसैन साहब। ना फिर से गुस्सा आ जाता है, इसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। गंदी चीजें पकड़ लेता है। क्या पकड़ा रहे हो इसे? ये वाला हुसैन इधर देखो। हसन उसे कह रहा है वहां देखो, पर वो देख नहीं रहा। ये मुन उल्टे काम, ये क्या ना मुंह में नहीं डालता। हसन पकड़ो पकड़ो जन्नी प्यार से, अभी छोटा हो। हसन उसने मुंह में डाल लिया, गंदे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नान चने आ गए हैं, हसन साहब हो गए हैं इधर बहुत खुश। हसन की फरमाइश पर आए हैं नान चने। अल्हम्दुलिल्लाह आज बन रही है बिरयानी। ये चिकन है, चिकन मैंने डाल दिया, साथ में आलू भी ऐड करके दही शामिल की है, कलवंजी है, लेमन ये छोटे से स्लाइस मैंने काट लिए हैं, मैंने पुदीना बना लिया है, साथ में सब्ज मिर्च है, और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाले का 1 स्पून वो डाला है, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून वो ऐड किया है, इसमें टमाटर ऐड किए हैं, इमली का पेस्ट, सब कुछ ये शामिल कर दिया मैंने इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह पानी पक चुका है, अब मैं इसमें कर दूंगी सब्ज़ पुदीना ऐड, क्योंकि मैं दम पे नहीं लगाऊंगी, पुदीना फिर काला हो जाता है, अब नहीं होगा। और इसी में मैं शामिल कर दूँगी चावल। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह चावल ऐड कर दिए हैं, इसे मैं कवर कर दूंगी 3-4 मिनट के लिए, पानी खुश्क हो जाए फिर मैं दम लगा दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिरयानी को लगा लूंगी दम। मैं ये पहले डाल दूंगी इस पर फूड कलर, और साथ
साथ में मैं लेमन के स्लाइस भी जोड़ दूंगी। साथ ही में मैं हरी मिर्च भी रख दूंगी क्योंकि चावलों में इतना स्पाइस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर मैं बना लूंगी रायता खीरे को। मैंने छोटे छोटे खीरे का स्लाइस बना लिए हैं। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं दही, चूँकि असर की नमाज अजान हो रही है, असर की नमाज के बाद खाना खाएंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी काली मिर्च, साथ में नमक, प्याज वगैरह, टमाटर नहीं मैं डाला चूँकि मैंने बिरयानी में ही इमली टमाटर दही बहुत ज़्यादा डाले हुए थे, तो इसलिए मैंने नहीं इसमें ऐड किया। और प्याज जो हसन को नहीं पसंद, उसे दही और सिर्फ खीरा पसंद है, और काली मिर्च नमक, इसलिए मैंने इतना कुछ नहीं इसमें डाला। यम्मी सा रायता बन गया। इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। हसन भी नमाज पढ़ेगा, मैं भी पढ़ूंगी कुरान पाक पढ़ने के बाद, फिर मैं दम खोलूंगी फिर खाना। आपने नहीं पढ़नी, खाना भी नहीं मिलेगा नमाज नहीं पढ़नी तो। हसन आप क्या लेने आए हैं? अब वजू करने आ गए। मैं आई हूँ वजू करने, तो हसन साहब भी जल्दी से आ गए। पहले 3 दफा अपने हैंड वॉश करना, कड़ूली करते हैं बेटा पहले। चौंकी ले उस पर खड़ा हो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हसन का वजू होने लगा है कंप्लीट। कह रहा मम्मा मुझे एप्पल वाली जाय नमाज, यानी कि रेड कलर वाली मुझे जाय नमाज चाहिए। एप्पल वाली उसका रेड कलर है, इसे रेड नहीं आ रहा, तो कह रहा जो एप्पल का कलर है मैंने वो लेनी है। फिर हसन साहब को खाना मिलेगा। मेरे बेटे के लिए बिरयानी बनी है। शाबाश, चलो पाँव भी वॉश, आओ मैं पाँव वॉश कराऊँ। तो हुसैन साहब भी आ गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। अब दोनों भाई मिलके पढ़े हैं, देखते हैं कौन पहले पढ़ता है। हसन अपनी जाय नमाज ठीक कर रहा है, हुसैन भी हेल्प करवा रहा है। ये मेरी है, आपकी कौन सी वाली है? एप्पल वाली लेनी। चले आप इसमें ही पढ़ ले, दोनों भाई इसमें पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो आप। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ने के बाद मैं हो गई थी फ्री, तो मैं पढ़ने लगी हूँ सूरह कहफ। जुम्मे वाले दिन मैं ये सूरत लाजमी पढ़ती हूँ, आप लोग भी प्लीज़ लाजमी पढ़ा करें, इसका बहुत स्वाब और बहुत ज़्यादा अजर है। और ये भाई आ गए हैं मुझे अब तंग करने, मेरा कुरान पाक खींची जा रहा है। हसन ने भी नमाज अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं हो गई हूँ फ्री, आ गई हूँ किचन में दम खोलने के लिए। देखती हूँ मैं बिरयानी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। धुएं निकल रहे हैं बिरयानी से। हमारी बिरयानी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं हसन के बाबा जानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। हम जब भी ऐसी बिरयानी बनाते थे दोनों मिलके बैठ के खाते थे, लेकिन है वो अपनी जॉब पर है, मैंने उनके लिए निकाल दी है पहले से ही। तो हसन सुनाएगा खाना खाने की दुआ, बेटा सुनाओ। पहले बिस्मिल्ला पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में इजाफा फरमा, आमीन। भाई भी खुश हो रहा है। मैं हुसैन की वजह से ऊपर बैठती हूँ, नीचे बैठूँ तो ये सारा कुछ हसन साहब हुसैन साहब तो इधर का इधर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वगैरह खाकर हो गए थे फ्री। अब बच्चे सोने लगे हैं, हसन भी सो रहा, हसन ने सुबह स्कूल जाने हैं, हुसैन को भी मैं सुला रही हूँ। आज का व्लॉग यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगी, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते रखें। क्या अल्लाह हाफिज़, हसन की तरफ से भी सबको अल्लाह हाफिज़।